चंबा के जुलाखड़ी में पांगी घाटी के लोगों द्वारा जुकारू उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें पांगी के लोगों द्वारा पारंपरिक नृत्य और लोक गीतों की प्रस्तुति दी गई। जुकारू उत्सव हर वर्ष फाल्गुन माह की पहली अमावस्या के दिन शुरू होता है और एक महीना तक चलता है। इस दिन सबसे पहले सुबह 4 बजे जल देवता को पात्र यानी जौ अनाज से बनी शराब और गेहूं से बनी सामग्री चढ़ाई जाती है। उसके बाद पारंपरिक जुकारू उत्सव शुरू हो जाता है। महीना भर हर घर में नाच गाना और विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर व्यंजन परोसते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। इन दिनों पांगी के पारंपरिक लोकगीत फाग गीत पूरी पांगी घाटी में सुनने को मिलते हैं। इस बारे में पांगी कल्याण संघ के सचिव लेखराज ने बताया कि ये परंपरा सदियों पुरानी है, परंतु आज के समय में आधुनिकता के कारण नई पीढ़ी अब घाटी से पलायन कर रही है और युवा इस परंपरा को भूलते जा रहे हैं। उन्होंने इस संस्कृति सभ्यता को संजोए रखने के लिए नई पीढ़ी से अपील की है। ये हमारी बड़ी पुरानी संस्कृति है, हम चाहते हैं कि इसको भी और इस तरह संजोए रखें, क्योंकि युवा पीढ़ी अब थोड़ा सा ऐसा है कि माइग्रेट हो रहे हैं ज़्यादा, तो थोड़ा सा इसमें कमी आ रही है। ये जो हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे अभी हमने यहाँ किया चंबा में, ये थोड़ा सा युवा पीढ़ी से मेरी भी अर्ज है, दरख्वास्त है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें और ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो खुशी से मनाएं और ये हमारा ये जो संस्कृति है ये धरोहर बनी रहे। यही मेरे अपने पांगी वासियों से प्रार्थना है और आज भी करता हूँ कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए चंबा से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट।